7 साल की देसी ने बाल धाविका पूजा बिश्नोई का रिकॉर्ड तोड़ने का दिया चैलेंज। देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सिर्फ उन्हें तलाशने की जरूरत है। रोहतक जिले के सापला कस्बे में ऐसी ही 7 साल की खिलाड़ी दिशि विशिष्ट है, जिसने राजस्थान की बाल धाविका पूजा बिश्नोई के रिकॉर्ड को तोड़ने का दावा किया है। जिस तरह का जज्बा व आत्मविश्वास इस खिलाड़ी के अंदर है, उसे पूरी उम्मीद है कि वह इस रिकॉर्ड को तोड़कर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा देगी। पिता ने भी जब अपनी बेटी के कदमों को तेजी से भागते देखा तो मेहनत करानी शुरू कर दी। दिशी ने भी मन में सपना सजो लिया है कि वह एक दिन देश के लिए गोल्ड मेडल जरूर जीत कर लाएगी। देखो, सोचा तो कुछ नहीं, मतलब इसका खुद का इंटरेस्ट है रनिंग करने का और ये अच्छा दौड़ती भी है, तो इसीलिए एक दिन देखा था कि अच्छी रनिंग कर रही है तो बच्चे को क्यों ना गेम में डाला जाए। और पूछा गया इससे कि भाई रनिंग करना अच्छा लगता है आपको? इसने बोला कि पापा, अच्छा लगता है मेरे को रनिंग करना और मेरे को रनिंग ही करना है। फिर मैंने जैसे एक दो मूवी दिखाई मिल्खा सिंह की या और ऐसे रनरों की, तो इसको मतलब तब से ही लगन लगी हुई है कि भाई गोल्ड लेके आना है और गोल्ड के लिए चली जा रही है तब से। तो अभी फिलहाल गिनीज बुक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने का आप लोग सोच रहे हैं, तो ऐसा क्या किया है इसने कि उसमें दर्ज हो? इसने जो जोधपुर की एक लड़की है पूजा बिश्नोई करके, तो उसका 12.1250 है उसका, तो 3 किलोमीटर का, तो इसने 12.4 में कर दिया इसने। तो हमने कोशिश करी थी कि वो रिकॉर्ड को इसका नाम आए, तो अभी उनसे बात नहीं हो पा रही है, उनका फ़ोन नहीं उठ रहा है तो बात नहीं हो पा रही है। जैसे ही बात होती है तो रिकॉर्ड के लिए टाइम लेते हैं और इसका रिकॉर्ड डलवाते हैं। कितनी मेहनत करानी पड़ती है इस टाइम तक पहुंचने के लिए? क्या ये टाइम और भी कम हो सकता है? टाइम देखो, अगर कोच जैसे हम जितना करा सकते हैं उतना तो हम करा ही रहे हैं, जैसे प्रशासन का कोई सपोर्ट मिलता है या कोच वगैरह कोई मिलता है तो वो अच्छी करा सकते हैं रनिंग, क्योंकि हमारे से तो अच्छा ही जानते हैं, हम तो जैसे हैं वैसे ही दौड़ा रहे हैं बच्चे को, तो उसमें अच्छा कर रही है। तो जैसे प्रोफेसर कोई अच्छा दौड़ाएगा इसको तो और कम भी आ सकता है शायद। तो और क्या सिर्फ इसी रिकॉर्ड तक सीमित रहना चाहते हैं या आगे भी कोई प्लानिंग है इसको लेकर के? नहीं, रिकॉर्ड तो देखो अभी इसका 12.4 आया है, तो कम भी आएगा और भी कम आएगा और अच्छे इवेंट में जाएगी भी ये, तो बस इसका यही है कि गोल्ड लेके आना है, गोल्ड की लगी हुई है, गोल्ड लेके आना है। तो अभी तो शुरुआत की है क्योंकि अभी जूनियर है, सीनियर है, कई चीज़ें होती हैं तो नहीं, 2024 में शायद यूथ ओलंपिक या जैसा जो भी है होता है वो तो बच्चों का होता है, उसमें जाने का इसका सपना है कि पहले उसमें जाती हूँ फिर उसके बाद जो बड़े हैं उसमें गोल्ड लेके। तो इसके लिए तो और भी कहीं बेहतर प्रोफेशनल तरीके से इसको ट्रेनिंग दिलवाने का भी सोचा है? हाँ, ट्रेनिंग के लिए हम गए तो थे, रोहतक भी गए थे सिंथेटिक पे, लेकिन अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है तो बाइक पे पहले ही बीमार हो गई थी, 1.5 महीना बीमार रही है, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ गया था, तो इसलिए हमने इसी पे अभी इस पे ही दौड़ा रहे हैं। तो क्या सपोर्ट की उम्मीद है कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट करे या स्पोर्ट्स? देखो, इच्छा तो रहती है कि भाई कोई आए, आगे आए, बच्चे का हुनर को पहचाने, हम तो जितना पहचान सकते थे उतना करा रहे हैं, अब तो प्रशासन के ऊपर ही रहेगा ना कि अच्छा कोच दिलाए या भाई जैसे भी है इसको आगे ले जाने की जो मुहिम है वो हमने तो स्टार्ट कर रखी है, अब प्रशासन देखेगा इसको क्या है क्या नहीं है। क्योंकि इंडिया में एथलेटिक्स में बहुत बड़ा भविष्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अगर हम देखें कि ओलंपिक में हम मेडल बमुश्किल अब नीरज चोपड़ा जीत पाए, तो इस तरीके के इवेंट के लिए भी तैयारियाँ हैं? हाँ, इवेंट के लिए तैयारी कर रही है ना, तभी तो इसके पीछे लगे हुए हैं कि ये इवेंट में पार्टिसिपेट करे या मतलब दौड़े अच्छा, इसी के लिए इसके पीछे लगे हुए हैं और ये इसका खुद का मन है कि दौड़े। दिशी, किस तरह से आपने रेसिंग की शुरुआत की? क्योंकि पापा ने मुझे रेस में अच्छे, मेरे पैर उठ रहे थे इसलिए पापा ने मुझे रेस में सोचा और फिर मुझे कराने का सोचा और मैं करने लगी। फिर पापा ने एक दिन मुझे यहाँ पे स्टेडियम में एक राउंड मरवा के देखा तो मेरे अच्छे पैर उठ रहे थे इसलिए पापा ने मुझे रेस में डाल दिया था। तो मज़ा आता है रेस करते हुए? यस। तो किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं आप सुबह से लेकर के शाम तक? मतलब सुबह मैं
आती हूँ, उसके बाद यहाँ पे ग्राउंड को छोड़ती हूँ, फिर मैं एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद फिर मैं वार्म अप के राउंड मारती हूँ, फिर मैं वो मारती हूँ राउंड मारती हूँ, फिर मैं जाने के बाद खाती हूँ जो पापा देते हैं मुझे, उसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, उठती हूँ फिर यहाँ पे आती हूँ, उसके बाद फिर छूती हूँ, फिर मैं एक्सरसाइज करती हूँ, फिर वार्म अप के राउंड मारती हूँ, फिर ना मैं शूट मारती हूँ। तो अभी क्या रिकॉर्ड बनाया है आपने? 11-4 का 3 किलोमीटर 12-4 में। तो किसका रिकॉर्ड तोड़ना चाहती हो? मैं हाँ। पूजा बिश्नोई का। पूजा बिश्नोई का कितना रिकॉर्ड है? 12:15। ओके, तो और कौन कौन से खिलाड़ी अच्छे लगते हैं, किन को देख के सीख रही हो आप रेस? एक तो है भाग मिल्खा भाग, एक तो बोल्ट, और मिल्खा सिंह, और पीटी उषा। तो उन्हीं की तरह बनने की इच्छा है? हाँ। कैसे बन पाओगी? मेहनत? हाँ। तो अभी पापा ही मेहनत कराते हैं? हाँ, अभी तो पापा ही मेहनत करवाते हैं। तो क्या देश के लिए कुछ करने की इच्छा है, क्योंकि छोटी सी उम्र है अभी तो? हाँ, देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने की इच्छा है मेरी। तो उसके लिए और मेहनत करोगी? हाँ। परिवार के लोग सही सपोर्ट करते हैं क्या? हाँ। क्या 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 करते हैं तुम्हारे लिए? कुछ भी कर देते हैं, अगर रेस में मेरी कोई गलत चीज़ होती है तो पापा बताते हैं, खाने पीने में कोई कमी नहीं छोड़ते, खिलाते पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं।